ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान ज्ञान के समय हमें क्या करना चाहिए, अपनी श्वासों को साधना चाहिए या गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए या फिर भगवान का ध्यान करना चाहिए। जब सूर्य उदय होने वाला होता है, उस सूर्य उदय होने से ठीक 2.25 घंटे पहले का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। उस समय पर आप पूछ रहे हैं कि हमें ध्यान ज्ञान के समय हमें क्या करना चाहिए, अपनी श्वासों को साधना है या गुरु मंत्र का जाप करना है या फिर भगवान का ध्यान करना है। सबसे पहले तो आप अपने शरीर को इस अवस्था में लेकर के आइए कि आपका शरीर निद्रा में वापस ना चला जाए। व्यायाम करना, मुंह धोना, खुला दांतुन आदि करना, सब प्रकार से अपने शरीर को फ्रेश करना ताकि आपका शरीर दोबारा निद्रा में नहीं चला जाए। दूसरा काम, आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं, आप भगवान का ध्यान भी कर सकते हैं और आप अपनी श्वासों की साधना कर सकते हैं। मेरे देखे ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, मेरे देखे ये तीनों एक साथ हैं और एक साथ ही होनी चाहिए। श्वासों पर ध्यान, श्वासों की साधना, मंत्र का जाप और भगवान का ध्यान, ये तीनों एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तीनों को एक साथ करिए, बहुत सुख मिलेगा। मैं अपनी जीवन की जो निजी अनुभूति है, मैंने महसूस किया है कि कोई एक चीज में नहीं रह सकते क्योंकि हमारे मन की तीन परत हैं, सूक्ष्म, स्थूल और अवचेतन। तो इस तीन परतों को हमें तीन चीज देनी पड़ती हैं। हमें शरीर को श्वासों की साधना देनी पड़ती है, हमें अपने स्थूल शरीर को हमने श्वासों की साधना दे दी, अपने सूक्ष्म शरीर को हमें मंत्र जाप देना पड़ता है और जो हमारा अवचेतन मन है, जो हमारा कारण शरीर है, जो हमारा अस्तित्व है, उसको हमें भगवान का ध्यान देना होता है, तभी हम वहाँ पहुँचते हैं। तो ये तीनों एक साथ हैं, इनको एक साथ करिए। अलग अलग करेंगे तो आप एक लंबे समय तक भटकते रहेंगे। ये राज की बात है, जल्दी से सुनने को नहीं मिलेगी, पर अगर मिली है तो इसको बहुत मतलब ठीक ढंग से अपनाइएगा।